आप ही लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से मालूम का हजारों राउंड गोली चली, क्या हुआ उस घटना पर, आखिर इसको निपा पोती कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे लोग अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं। एकाएक अपराध में इतनी वृद्धि क्यों हुई, इतना मनोबल क्यों बढ़ा? वही प्रशासन था जो अपराध पर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा था, अब घटना घटित होने के बाद उसका उद्भेदन सिर्फ कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने स्वार्थ अहंकार और सत्ता लोलुपता के लिए बिहार की जनता को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। समय रहते मुख्यमंत्री जी, अगर जो आप एक्शन नहीं लेंगे तो जनता गद्दी से आपको उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी जंगल राज भी समाप्त किया है और आपके द्वारा गुंडा राज को जो संरक्षित और पोषित किया जा रहा है उसको भी समाप्त करेंगे। सर, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बढ़ते अपराध में बीजेपी का ही हाथ है, मोदी की साजिश है अपराध को बढ़ाने में। सत्ता में बैठने का उनको कोई नैतिक अधिकार है? बीजेपी है या कोई भी है, अपराध कर रहा है, आपने क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कौन रोका है, कौन बांधा है? एक प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना। हम तो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, प्रशासनिक अराजकता को सदन के अंदर हमने उठाया था और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या तमाशा बनाए थे। तो ऐसा नहीं कि मैं सत्ता के बाहर आया हूं तो बोल रहा हूं, सत्ता के अंदर भी हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे और सत्ता के बाहर भी कर रहे हैं। और सिर्फ वरगलाने से और लोगों को भ्रम में डालने की बजाय काम करनी चाहिए। पांच पांच विभाग ले चुके हैं, संभल नहीं रहा है। डेंगू का मामला भी उसी तरह फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अभी हमने गया, क्या स्थिति है यहाँ के सिविल सर्जन की, जिसको कटसी कॉल भी पता नहीं है। पूरी विभाग के अंदर जब भी शासन प्रशासन में बैठे लोग करप्शन को संरक्षित करते हैं, प्रशासनिक अराजकता फैलती है और वो सारे स्थिति दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जनता का राज है, जंगल राज को जनता राज बताकर बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार जनता राज है तो मुख्यमंत्री जी, जनता आपको बता देगी कि राज किसका होगा। सवाल सर एक ये है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर यदि इसी तरीके से जारी रहा तो अन्य और भी हत्याएं हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता, तो आम जनता भय मुक्त माहौल में कैसे जी पाएगा? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो आप बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं उस जंगल राज से लड़ाई में गवाह ही नहीं भागीदार बने हैं। और जब जब शासन प्रशासन में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की भागीदारी होती है तो ये वातावरण बनता है और इस वातावरण के विरोध में एक सजग विपक्ष के रूप में हम सब लोग पहरेदारी ही नहीं करने के लिए, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सर एक राजनीतिक सवाल है, इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है कि आरजेडी और जेडीयू का विलय हो रहा है, इसके बारे में सर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए ये तो पहले से ही तय है, हमने तो आज से करीब 20-25 दिन पहले ही कहा था कि जदयू का विलय आरजेडी में होने जा रहा है और इसीलिए सुपर सीएम का रोल दिखाई भी पड़ रहा है। आपने देखा है किसी उप मुख्यमंत्री को पांच पांच विभाग को और भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग को लेके बैठे हुए? मुख्यमंत्री आज मौन और गौण है, ये सारी परिस्थिति कहां इंगित कर रही है? एक भी जदयू के लीडर जो टॉप लेवल पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री ने इनकार किया है
कि नहीं विलय नहीं होगा। आज तक बोले हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के मुख से निकला है? जदयू के लोग हताश निराश हैं, मुख्यमंत्री तो अपना आश्रय खो चुके हैं। आरजेडी के लोगों ने कहा है कि आश्रम तैयार है, लेकिन जदयू के लोग भी अपने आश्रय की खोज में लगे। तो सर, ये जो अभी राष्ट्रीय चुनाव जदयू के अंदर होने वाला है, तो क्या सिर्फ ये दिखावा है? बहुत ही दिखावा चल रहा है, आपने देखा है सदन के अंदर जब हम लोगों ने एक्शन लिया था, दो दो तीन तीन बरस घोटाले के मामले में हमने कमेटी गठित किया, तो आपने देखा कि क्या दिखावा चल रहा था साथ चलने का, और पलटी मार किस तरह से पलटी मारने की व्यवस्था हम लगे थे। तो ये कौन सा खेल खेलेंगे ये लोगों को पता भी नहीं। जदयू के कुछ नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो सही बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। दिल की बात उनकी सही तब निकलेगी जब विलय हो जाएगा। ठीक है।